मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि उजाला कामयाबी का हर मुश्किलों के पीछे होता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक कामयाब पशुपालक से, जिन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए कामयाबी हासिल की है। नाम है उनका रविंद्र कुमार जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में और साथ ही साथ कामयाबी के बारे में भी। भारत देश में लोगों का गोपालन से जुड़ाव सदियों से रहा है। गाय हमें दूध देती है, जो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है। गाय के गोबर तो खेतों में खाद के रूप में काम भी आते हैं, तथा इसके मूत्र से तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण भी होता है। इतना ही नहीं, गोपालन हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से भी एक लाभकारी व्यवसाय का रूप ले चुका है। आधुनिकता के इस दौर में विज्ञान के बढ़ते तकनीक ने गोपालन के रूप को बदल कर रख दिया है। तकनीक के समावेश से न सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ा है, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। आज गोपालन से जुड़कर कई लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, और इसी कड़ी में एक नाम आता है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले निवासी रविंद्र कुमार का। रविंद्र कुमार, जो कि मामूली सी तनख्वाह पर कभी नौकरी किया करते थे, उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था और पैसों के अभाव में वो अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए थे। जब उनकी नौकरी चली गई, तब उन्होंने गोपालन के व्यवसाय का मन बनाया और 13 गायों से इसकी विधिवत शुरुआत की। आज गोपालन से उनका सिर्फ गुजारा ही नहीं होता, बल्कि वो एक बेहतर जीवन भी जी रहे हैं। जब हम बात करते हैं ग्राम विकास की, किसानों के विकास की, और जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करनी है, तो उसके लिए कई तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ खेती में बल्कि पशुपालन में भी। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज हम आए हैं कोडरमा में, और हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार जी। काफ़ी छोटे से इन्होंने शुरुआत करी, काफ़ी संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि इस आसपास के क्षेत्र के लिए ये एक प्रेरणा है, एक मॉडल है। तो रविंदर जी से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। रविंदर जी, ये बताइए कि जब शुरुआत हुआ था डेयरी का, तो उसके पहले का जीवन था कैसा? वो तो एकदम बिल्कुल सूखा जीवन था। तो जो हम लोग का सैलरी था, उस पर हम लोग का घर परिवार उतना बढ़िया चल नहीं रहा था। क्या कर रहे थे? हम लोग प्लांट में काम कर रहे थे। अच्छा। और थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा जॉब भी करते थे, लेकिन उतना परिवार चलने लगा पैसा नहीं था। आज की डेट में धीरे धीरे हम इस लाइन में आए हैं। अभी गाय से लेकर के 10-12 आदमी का रोजी रोटी भी। जब प्लांट में नौकरी कर रहे थे, तो खैर आप जब जवान थे, युवावस्था में थे, जब निकले बाहर तब आपके, तो शुरुआती दौर में जो पारिवारिक स्थिति थी, पढ़ाई लिखाई, वो कैसी रही? पढ़ाई लिखाई की स्थिति तो वही है, लेकिन जितना बढ़िया से हम लोग पढ़ाना चाह रहे थे, उतना पैसा था नहीं जो पढ़ाते। हम तो मैट्रिक पास हैं। तो उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़ने का वजह हो गया कि 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह में आजकल पूरा फैमिली बच्चे चलाना सब कुछ करना संभव नहीं था, इसलिए हम लोग डेयरी व्यवसाय में आए। जब इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की, तब इनके पास डेयरी का ना तो कोई अनुभव था, ना ही गाय खरीदने के लिए पैसे थे। 2006 में इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और 13 गायों से इसकी शुरुआत भी की। आज उनकी डेयरी में 100 से भी ज़्यादा गायें हैं। ये हम शुरुआत किए हैं 2006 में। अच्छा। और 6 से 13 गाय से शुरू किए थे। तो 13 गाय के लिए पूंजी कहाँ से आया, कैसे आया? उसमें हम लोग कुछ कर कुटुंब से लिए पैसा। अच्छा। गाय की कीमत तो कम है नहीं, तो सबसे लिए कर्ज लिए और उसके बाद गाय खरीदे। 6 महीना 7 महीना होते होते मैं बाकी लोगों को कर्ज दे दिए, और उस पर बढ़ने लगा हमको रुचि, क्योंकि अब तो इसे इनकम दिखाई देने लगा कि कितना इसका इनकम है। तो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में भी 100 प्लस है, और उसमें 150 बेच भी दिए। अच्छा, 150 बेच भी दिए हैं पिछले 12 साल। हाँ, इस साल के मतलब जब से शुरू किया अभी तक। जब ये डेयरी की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्हें कई लोगों ने इस कार्य को करने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मन की सुनी और हिम्मत करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज इनके हौसले का ही नतीजा है कि वो इस व्यवसाय में कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। लोग मना कर रहे थे कि आप तो कभी इस काम किए नहीं, कैसे कर लिए? हम लगन है, देखे हैं कहीं कहीं सालों भर से हम दूध लाने जाते हैं, देखते हैं लोगों को जो कैसे कैसे बढ़ रहा है।
तो जब अनपढ़ लोग बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। शुरुआती दौर में जब रविंद्र के पास डेयरी का किसी भी तरह का ना कोई अनुभव था ना ही ज्ञान, तब वो डेयरी से संबंधित ज्ञान अर्जित करने रामकृष्ण मिशन रांची जाया करते थे। वहां के डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह भी लिया करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने करनाल तक गए और वहां की व्यवस्था देखकर उसे अपने डेयरी फार्म में भी उतारा। इसमें हम हमारा संबंधित लोग रांची में हैं तो रामकृष्ण मिशन का डेयरी, जब हम जाते थे वहां जाते थे और देखे गाय का कैसे रख रखाव है। तो वहां के जो डॉक्टर थे उनसे फोन पर ट्रेनिंग भी लिया जी, नहीं करनाल भेज गए, करनाल 10 दिन रहे हैं वहाँ। जब हमको लगन लग गया कि ना इसको करना है, तो जो बढ़िया डेयरी आज भी डेट में हमको लगता है कहीं अच्छा है उसका रख रखाव, तो वहाँ चले जाते हैं हम। अच्छा। और जाके वहाँ देखते हैं कि इसमें हम जो कर रहे हैं सो और ये जो कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है, जो वहाँ देखते हैं उसका करके हम करते हैं। गोपालन में गायों के खान पान का विशेष महत्व होता है और ये उनका खान पान ही है जो उन्हें स्वस्थ ही नहीं रखता बल्कि दुग्ध का भी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। रविंद्र कुमार गायों के खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। वो अपनी गायों को हरा चारा देते हैं तथा हरे चारे की उपलब्धता नहीं होने पर मिनरल मिक्सचर भी उन्हें दिया करते हैं। लोग डॉक्टर साहब लोगों से परामर्श लिए हैं इसमें क्या 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 चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग की वहाँ दिखाया गया कि नहीं, होटवाड़ में भी गए तो वहाँ भी दिखाया लो कि नहीं आप जो है इसमें हरा घास सब दिन दीजिए। अच्छा, हरा घास अगर मान लीजिए उपलब्ध नहीं हो, नहीं तब मिनरल्स दीजिए, मिनरल्स इसका जो है वो हरा चारा का पूर्ति करता है। और क्या रेशियो वगैरह क्या रखते हैं इसका? इसका रेशियो है जैसे 2 सूखा दे रहे हैं 1 हरा दे रहे हैं, 2 kg सूखा है तो 1 kg हरा देते हैं, इसी हिसाब से हम तो चलाते हैं। बाकी जो है से 1 लीटर दूध पर जो ये मतलब 2 किलो दाना देते हैं। अपनी गायों के लिए रविंद्र कुमार मिनरल मिक्सचर खुद तैयार करते हैं और इसमें वो तरह तरह के पोषक खाद्य पदार्थ जैसे मकई, जौ, बादाम की खल्ली, सरसों की खल्ली आदि मिलाकर उन्हें देते हैं और इस तरह के भोजन से उनकी गायों को प्रचुर मात्रा में खाद्य भी मिलता है और वे स्वस्थ रहती हैं तथा समय पर पाल भी खाती हैं। बिनोला खली दिए, बादाम खली दिए, उसके बाद बोर्नविटा दिए, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं ये ब्रांड वो दिए, सरसों खली दिए, सब दे के मिला के देने से क्या असर क्या पड़ता है जानवर पे? जानवर के सेहत बहुत चमकेगा, तो समय पर पाल खाएगी, समय पर बच्चा देगा, जर नहीं फंसेगा, स्वास्थ्य एकदम सुंदर दिखेगा। जो आमतौर पर लोग जो खाली चारा पे रखते हैं, भूसा पे रखे या अलग से खली दिया या चोकर दिया, उसमें और इसमें दोनों में फिर क्या अंतर, प्रोडक्शन में क्या अंतर? प्रोडक्शन में पूरे अंतर पड़ेगा, शरीर पर अंतर पड़ेगा, पाल टाइम पर नहीं खाएगी गाय तो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, टाइम पर पाले नहीं खाई तो फिर उसको पालने से क्या फायदा होगा। और अगर खर्चा का बात करें तो एक जानवर पे अगर खर्चा देखना चाहे तो क्या पड़ता है जो लोग नहीं करते? देखिए लोग चाहते हैं एक ही बच्चा दूध लें और दोबारा उसको पीछे खर्च नहीं करें, लेकिन अगर टाइम से सब चीज़ दीजिएगा, वैक्सीन दीजिएगा, कीड़ा का दवाई पड़ेगा, मिनरल्स दीजिएगा, खान पान सही रखिएगा, तो एकदम टाइम पर पाल खाएगी, टाइम पर बच्चा देगी, 4-5 बच्चा दे सकती है। ऐसे लोग एक ही ब्याज होते हैं कि अभी दूध लेते हैं इसको खिलाना नहीं, तो जब तक खिलाए नहीं कीजिएगा फिर दूध आया कहाँ से उसका? गायों को हरा चारा मिलता रहे इसके लिए रविंद्र अपने खेतों में ही हरा चारा भी उगाते हैं। अपने खेतों में उगे होने के कारण इनकी गायों को ताजा हरा चारा उपलब्ध हो जाता है और इससे इनकी गायों की दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। जोड़ते नहीं है ना वो मकई गेहूँ का रेट जोड़ते हैं और ये हरा घास गाय को खिलाएंगे, गाय के दूध स्वस्थ ठीक रहेगी, दूध ज्यादा करेगी गाय तो उससे ज्यादा फायदा उनको है, लेकिन सोचते नहीं। हम तो जो किसान आते हैं सबको बताते हैं कि आप लोग मकई गेहूँ का रेट जोड़ लीजिए और दूध का रेट जोड़ लीजिए और वो हरा घास खेत में उपजाइएगा और गाय को दीजिए और देखिए दूध का उत्पादन कितना होता है, वो 40 रुपये लीटर दूध आपको बिक रहा है और मकई गेहूँ 11-12 रुपये बिकता है, तो लोग आप धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं, आ रहे देख रहे हैं, अब वो भी लगा रहे हैं बरसी टाइम पर वेब सेंटर से गवि विकास से सब हम लोग लाते हैं, हम लोग भी देते हैं। रविंद्र अपनी गौशाला में उपयोग होने वाले पानी को बर्बाद भी नहीं करते, वो गाय के गोबर और मूत्र में मिले उस पानी को अपने खेतों तक ले जाते हैं और इस पानी की वजह से उनकी फसलें उनकी खेतों में लालहाती नजर आती हैं। गाय पर मोटा मोटी धोने से पिलाने खिलाने तक 100 लीटर से 110 लीटर तक पानी लगता है, वो पानी पिलाने खिलाने के बाद धुलाई में जो लगता है उसको नाला बना करके खेत में हम लाते हैं। अच्छा, पानी बर्बाद नहीं जाता? नहीं, वो पानी धुलाते धुलाते आकर के खेत में लगा देते हैं, कोला बना दिए हैं, आज ही पट गया तो उसको काट दिए, वो पट गया तो उसको काट दिए,
इधर सूख रहा है, कटिंग हो रहा है घास, फिर उसमें पानी जा रहा है, पानी का भी एकदम बिल्कुल बर्बादी नहीं। रविंद्र कुमार अपने फार्म में गायों की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखते हैं और उन्होंने इसके लिए फर्श पर रबर मैट भी बिछवा रखा है और इससे गायों के अंग छिल जाने का जरा भी खतरा नहीं रहता और वे कई तरह की बीमारियों से भी मुक्त रहती हैं। जो पहले से कर रहे थे, जहाँ देख के आए तो हमको बहुत डिफरेंस लगा, जानवर में स्वस्थपन का जो भावना है देखने लगा, अच्छा लग रहा है इसे। तो मैट बिछाए, फिर मिल्किंग मशीन लगाए। ये मैट भी बिछाए? जी हाँ। मैट बिछाने से क्या फायदा? मैट बिछाने से सबसे बड़ा फायदा तो इसका थनेली, बैठने उठने में चोट नहीं लगता है थन में, तो थनेली नहीं होता है, बहुत कम परसेंट थनेली हो गया। इसका खुर जो ढलाई पर सब सफाई के लिए हम ढलाई कर दिए हैं तो खुर खराब होता है इसका। अच्छा, तो मैट देने से रबर हो गया, इसको खुर भी खराब होना बंद हो गया। देख रहे हैं रबर पे खुर दबा हुआ है। जी, स्पंजिंग टाइप का है ये, हम लोग को बिछावन चाहिए इसके लिए, ये बिछावन है। रविंद्र कुमार बदलते जमाने के साथ अपनी डेयरी का भी आधुनिकीकरण करते रहते हैं। ये अपनी गायों के दुग्ध को दुहने के लिए यंत्रों का सहारा लेते हैं और इस तरह के यंत्र के उपयोग से गायों में बीमारी का खतरा भी कम जाता है तथा दूध पीने वालों को भी शुद्ध दूध मिलता है। भाई जो है उसका मेन कारण मशीन भी है, इसमें पानी मापने का जरूरत नहीं है, गोबर में है नहीं, इसलिए एकदम साफ सुथरा दूध पाइप से डायरेक्ट वहाँ तक जा रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, गंदगी नहीं, मच्छर लग रहा है ना मक्खी लग रहा है, जा रहा है। गाय शांत से खड़ी है, देख ही रहे हैं। गाय से लेकर पीने वाले जो उसका उपयोग करने वाले हैं वहाँ, कोई रोल नहीं, बिल्कुल मशीन से पाइप से वहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ जाएगा। और जो आपके कंज्यूमर है वो क्या आपको? वो तो बता रहे हैं कि आज तक ऐसा दूध हम लोग घर पर भी नहीं पीते हैं, इतना बढ़िया दूध उनको मिल रहा है, कहीं से छानने का घर में जरूरत नहीं है। छाना हुआ इसमें फिल्टर है, हाँ उसी में अंदर जा रहा है दूध, दिखाई दे रहा है, लास्ट हो जाएगा पाइप में दूध आना बंद हो जाएगा। ऐसा तो कभी है ही नहीं, खून तो खींचने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी लास्ट तक देखिए आप, दूध निकलते निकलते में भी बलरा ही नहीं सकता है, वैसा है ही नहीं, आप वैसा सिस्टम नहीं, लोग ऐसे ही हवा में बात करते हैं कि बलर खींच देगा, ये खींचेगा। लोगों को प्रयोग करना चाहिए एकदम 100% यही, इसी पर उतरना चाहिए, मशीन पर ही। गाय के लिए भी अच्छा है, दूध पीने वाले के लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। अगर 5 आदमी चला भी गया तो 2 ही आदमी पूरे गाय दूध लेगी। आज रविंद्र कुमार की डेयरी की व्यवस्था से इनके ग्राहक काफी खुश हैं और उन्हें मशीन के द्वारा जांच किया हुआ शुद्ध दूध भी मिल रहा है। इसका हम लोग जांचने का है ना, ये लैब में बीच बीच में देते हैं दूध में क्या कम है क्या ज्यादा है, और जो लोग ले रहे हैं काफी संतुष्ट है दूध से। ऐसा दूध तो हम लोग को कहीं गांव पर भी नहीं मिलता है, इतना साफ सुथरा ढंग से आप दे रहे हैं। कभी कर्ज लेकर अपनी डेयरी फार्म की शुरुआत करने वाले रविंद्र कुमार आज डेयरी से एक संपन्न किसान बन गए हैं। आज उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, वो अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं और आज इनके घर के आंगन में तरह तरह की गाड़ियां भी नजर आती हैं जो इनकी संपन्नता को साफ बयां करती है। पाने के लिए जहाँ तक मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, दोनों बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रही है, जहाँ दो लड़कियाँ हैं, दो लड़कियाँ हैं और दोनों को पीछे हमारा कम से कम 30-35 हज़ार का महीना खर्च है, वो कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी वाड़ी जितना है सब है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि पीछे में सारी इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो डेयरी फार्म जब आपने शुरू किया उसके बाद की हैं कि आपने फिर कहीं और भी कुछ उपाय किया? नहीं, सबसे पहले कि तो हम लोग का स्कूटर साइकिल है। अच्छा, ये साइकिल से आपका शुरुआत हुआ? साइकिल स्कूटर, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल है, फिर कार है, तो सारी चीज़ धीरे धीरे स्टेज बाई स्टेज अभी के डेट में हम एकदम सब। अब पीछे अगर पलट के देखते हैं जहाँ पे प्लांट पे आप नौकरी कर रहे थे, अगर आज कहीं नौकरी कर रहे होते, प्लांट नहीं प्लांट के अलावा भी कहीं कर रहे होते, जितनी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, तो जो ये सारा कुछ संपत्ति आपने अर्जा है खरीदा है, संभव था कि? जी नहीं संभव था। आज रविंद्र कुमार डेयरी के क्षेत्र में कामयाब किसान बन गए हैं तो उसके पीछे उनकी समय की प्रतिबद्धता तथा उनकी नई नई तकनीक के प्रति उनकी जागरूकता काम कर रही है। एक प्रगतिशील किसान होने के कारण वो नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने में जरा भी नहीं हिचकते और इनकी यही खूबी उन्हें अन्य पशुपालकों से अलग बनाती है और उन्हें कामयाबी हासिल करने में भी मदद करती है। सबसे अच्छा चीज़ जो हमें इनमें लगा, ये काफ़ी ईमानदार व्यक्ति और समय के पाबंद है।
मतलब आप कह देंगे कि रात 12 बजे ये दवा इस पशु को लगना है, तो 12 बजे रात में जग के वो पशु को दवा लगाएंगे। इसके अलावा ये हर समय चाहते हैं कि जो नई नई वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग अपने फार्म पर करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये इनोवेटिव है, अर्ली अडॉप्टर है, मतलब कोई भी चीज़ को तुरंत ही अपने फार्म में लाना चाहते हैं और उसका प्रयोग कम से कम एक या दो गाय पे जरूर करके वो देखना चाहते हैं कि सर जो बता रहे हैं उस तकनीकी में कितना हमको मुनाफा हो सकता है। कोई भी टिपिकल से टिपिकल चीज़, जैसे हमने अजोला कल्टिवेशन भी यहाँ करा है, अभी हम आने वाले समय में यहाँ हाइड्रोपोनिक्स फोडर प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जुलाई और अगस्त के महीने में लीन पीरियड जब रहता है यहाँ कोई फॉर्डर नहीं रहता है, तो वैसे समय बिना पानी के कैसे चारा उत्पादन किया जाए, इसका हम लोग आने वाले समय में इस फार्म पर प्रयोग करेंगे। जो लोग छोटी छोटी नौकरियों में अपना जीवन खपा देते हैं, उनके लिए रविंद्र कुमार एक प्रेरणा के स्रोत बनकर इलाके में उभर रहे हैं। आदमी यदि अपने मन में कुछ बड़ा करने की ठान ले तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जरूरत है तो सिर्फ बुलंद हौसले की। सदियों से गोपालन की परंपरा को रविंद्र ने चुना और मुनाफा कमाकर लोगों को राह भी दिखा दिया कि गायें उन्हें न केवल स्वस्थ रख सकती हैं, बल्कि अमीर भी बना सकती हैं। सच ही कहा है किसी ने कि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। जानकारियां हमारे पास और भी है, क्योंकि जानकारी का पिटारा हमारे पास खुल चुका है, लेकिन वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में जरूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। तब तक कागज और कलम उठाइए और हमारा पता फटाफट नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लेकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जुहार, नमस्कार।